आगे भी एक ट्रक है, ये लोग क्यू में खड़े हैं और जैसे जैसे इनकी बारी आएगी इनका सामान अनलोड होगा और उसके बाद ही ये ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम होगा। ये है इंदौर का सबसे फेमस कौटिल्य अकेडमी। ये आ गया इंदौरी चाय, क्योंकि बहुत जरूरी है उनके लिए ये देखना कि पापा सही तरीके से चला रहे हैं या नहीं और वो कौन कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री और स्वागत है आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल की एक और नई वीडियो में। अगर आपने मेरे लेटेस्ट वीडियो देखी होगी शिवरात्रि की, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो जो भी शूट की है वो या तो मैंने गाड़ी के अंदर का नज़ारा दिखाया है या फिर बाहर का। ऐसा इसलिए हो सका है कि हमने इंदौर सिटी में अपनी सबसे फर्स्ट कार जो है ली है। ये कार जिसकी वजह से आ पाई है वो इस वक्त गाड़ी से बाहर देख रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये देखना कि पापा सही तरीके से चला रहे हैं या नहीं और वो कौन कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं। सो आ रहे हो, सुपरवाइज करती है पापा को उल्टी दिशा में देख के। ये है इनका तरीका हमें सुपरवाइज करने का। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये देखिए सारी मार्केट्स वगैरह ये सब देख रही हैं कहीं कुछ रह ना जाए। ये ऐसे ही एक्टिव रहती है, आधा टाइम एक्टिव रहती है, आधा टाइम ये सोती रहती हैं, और जब ये जागती रहती हैं सो शी मेक श्योर कि ये गाड़ी के बाहर ही देखें। और अब इन आर्या को इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है बाहर देखने की कि ये जब घर पे होती है तो ये कोशिश करती हैं कि मैं इनको जो है बालकनी में बिठाऊं जहाँ से ये ट्रैफिक को देख सकें। सो आई थिंक इसको जो है ट्रैफिक काफ़ी एंटाइज करता है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है। कार लेने की भी एक अलग ही स्टोरी है। हम कार लेने की कोशिश यूँ तो 2 साल से ज़्यादा से कर रहे थे, लेकिन चीज़ें वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और प्लस हम ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं ले रहे थे कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि हमें सिटी के नहीं है ना आसपास की सिटीज़ में कहीं जाते हैं, हम दूर जाते हैं तो उससे हम बस या ट्रेन से आराम से जा सकते हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि इसको डॉक्टर के पास ले जाना होता था, इसकी वैक्सीनेशंस के लिए, इसके चेकअप्स के लिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी तो सर्दी में हमें बहुत रिस्की लगता था इसको लेके जाना, तो इसीलिए हमने ये कार ले ली 2019 के बाद में। अब देखिए योग बनाए, तो इस वक्त तो हम हैं रंजीत हनुमान मंदिर वाली रोड पर। ये मेरी राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं इतनी रोशनी और इतनी दुकानें हैं, ये सब उसी मंदिर की है। यहाँ पर खासकर ट्यूजडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये है चोइथरा मंडी, इंदौर की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो भी इस टाइम पे। यहाँ पर शाम को सबसे ज़्यादा भीड़ रहने का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ पर ट्रक्स आते हैं सब्जी और फलों के, और उनकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ कभी कभी लग जाती है। आज मैं पहली बार इस जाम में फंसी हूँ। ये देखिए, अगर आपको अंधेरे में कुछ दिख रहा हो तो ट्रक्स यहाँ पर कुछ खड़े हैं, यहाँ पे बहुत लंबी क्यू है पीछे तक इस टाइम तक। ये देखिए एक ट्रक खड़े भी है, उसके आगे भी एक ट्रक है, ये लोग क्यू में खड़े हैं और जैसे जैसे इनकी बारी आएगी इनका सामान अनलोड होगा और उसके बाद ही ये ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा कम होगा। फाइनली हम जाम से बाहर निकल गए और ये जो ट्रक आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, मुझे पक्का लग रहा है कि ये जो ट्रक है ये मुंबई वाली रोड, जो आगरा मुंबई वाली रोड है ना जो मैंने आपको कल दिखाई थी, वहां पे जा रहा है ये, क्योंकि रात को ऐसे ट्रक्स वहां से बहुत ज्यादा निकलते हैं। जा रहे हैं भंवर कुआं की ओर। भंवर कुआं, अगर आपने कभी भी इंदौर के बारे में सुना होगा तो आप ये भी जानते होंगे कि इसे एजुकेशन सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पे पूरे एमपी से बच्चे आते हैं, इसीलिए भंवर कुआं का जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर सबसे मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले लीजिए, चाहे वो कौटिल्य हो या फिर उसी के जैसे कहीं और नामी के नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप किसी के पास भी जाइए आपको वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स दिख जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। ये एरिया फुल्ली स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। यहाँ पे जो ये आई बस का रूट है,
यहाँ पे भी जब भी मैं बस से जाती हूँ या आती हूँ तो मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स ही दिखते हैं। अगर आप कहीं और से आई बस में जाएंगे तो वहां पे आपको बाकी लोग भी दिख जाएंगे अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा शोरूम जहां से हमने कार ली थी। वेरी मेमोरेबल डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं हमेशा से ही चाहती थी कि एक कार तो होनी चाहिए, लेकिन जरूरत नहीं थी तो इसीलिए हमने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि गाड़ी ले लेनी चाहिए, तो वो हमने ले ली। सो आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का एरिया, ये देखिए लोग कहीं से भी चले आते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इंदौर सिटी में आने के बाद मैंने ये चीज़ देखी है कि जहाँ पर आप ड्राइव करते हुए मोस्टली, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, मोस्टली आप राइट साइड देखते हैं और उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंट है, आप ठीक चला रहे हैं। लेकिन इंदौर सिटी में जब मैंने ड्राइव किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट साइड का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना राइट का, क्योंकि यहाँ पर जो है लेफ्ट से भी बहुत लोग चले आते हैं, खासकर जो टू व्हीलर होते हैं वो एकदम से आपके सामने आ जाते हैं और फिर उसके बाद में जो है कुछ हो ना जाए, इसीलिए आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कि ये देखिए ये जैसे लेफ्ट से उतर के आए, ठीक इसी तरीके से लोग आ जाते हैं बिल्कुल आपके सामने और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। इसीलिए हम सिर्फ रात को आते हैं, रात को ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती है क्योंकि लोग सड़कों पे कम रहते हैं, इसीलिए रात को ड्राइव करना बहुत ज़्यादा सेफ है। जब से हमने कार ली है तब से हम डेली रात को ही आते हैं 9 बजे के आसपास, तब ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाता है और रात के टाइम जो शहर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह लाइट्स जल रही होती हैं और कम ट्रैफिक होता है, कोई हौच पौच नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी भी चीज़ के लिए, लाइट्स भी नहीं होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो, लेकिन आज तो है तो थोड़ा सा हमें कभी कभी रुकना पड़ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइट नहीं होती है। अभी भी कई जगह हम जाएंगे तो हमें लाइट्स नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेन चौराहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स हैं। ये है इंदौर का सबसे फेमस कौटिल्य अकेडमी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ये बिल्कुल भंवर कुआं के चौक पे ही है। ये है ज्ञानी जी का ढाबा, यहाँ पे हम काफ़ी बार आते हैं लंच या डिनर्स के लिए, मेनली हम डिनर के लिए ही आते हैं क्योंकि रात को हम फ्री हो जाते हैं, दोपहर को तो ऑफिस होता है तो इसीलिए हम यहाँ पर बहुत बार आते हैं। तो पहले हम यहाँ पर रहते थे तो ज्ञानी जी के ढाबे पर हमारा अक्सर आना जाना होता था, यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। और ये है वेदा टावर, वेदा टावर में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, जिम हैं और टिंकूज है, बहुत फेमस है यहाँ पे। अगर आप स्नैक्स वगैरह कुछ लेना चाहें तो यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। देखिए वेदा बिजनेस पार्क यहाँ पे लिखा हुआ है और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर। ये है एप्पल हॉस्पिटल, एप्पल हॉस्पिटल इसका नाम बहुत ऊँचा लिखा हुआ है। पहुंचने वाले हैं टावर स्क्वायर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मार्केट है और ये एक कॉम्बिनेशन है, इससे थोड़ा सा आगे जाके सिद्धि मार्केट आ जाएगा और इसके पीछे जो है फुले बिजनेस एरिया है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बैठता है टावर स्क्वायर पे। ये देखिए लाइट अभी चल रही है और बंद हो गई है लाइट्स, अब हो गई है लाइट्स बंद। मुझे लगता है हम 5-7 मिनट जल्दी आ गए इसीलिए हमें लाइट्स भंवर कुआं पे मिली। और इस वक्त देखिए यहाँ पर आसपास कौन सा एरिया है, खाती वाला टैंक और बैराठी कॉलोनी, ये एरिया जो है मोटर मार्केट है, इसको कार बाजार भी बोलते हैं। यहाँ से आप अपनी ये देखिए फूले मिलते हैं यहाँ पे और बहुत सारी मार्केट भी है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कार बाजार के लिए ही लोग आते हैं, कुछ भी उन्होंने ठीक करवाना हो या फिर अपनी गाड़ी को उन्होंने मॉडिफाई करवाना हो तो भी लोग यहाँ आते हैं। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे सुबह के टाइम पे, इस वक्त तो सब खाली है, लोग जा चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ियाँ वगैरह आती हैं। यहाँ पे देखिए गाड़ी जो है उसको मॉडिफिकेशन भी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, दिस इज नथिंग। सुबह के टाइम तो यहाँ पे खूब भीड़ रहती है।
और आगे आएगा इंदौरी चाट। ये आ गया इंदौरी चाट। आई होप आपने यहाँ की वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पोस्ट की थी। अगर नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये है महाकाल चौराहा। कल मैं इसी मंदिर में आई थी और महाकाल चौराहा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस मंदिर का नाम है महाकाल। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का इशू काफ़ी टाइम से आ रहा था, जिसकी वजह से गाड़ियां जो है तुरंत नहीं मिल रही थी, उनकी बुकिंग काफ़ी पहले करानी पड़ रही थी। और क्योंकि हमें एक SUV मॉडल लेना था तो हमें और ज़्यादा वेट करना पड़ा इसके लिए। तो इसलिए हमने सेफ साइड के लिए सितंबर 2021 में गाड़ी बुक करा ली। हमें लगा कि ठीक है, अगर आ गई तो भी हम ले लेंगे, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत की बात है। तो गाड़ी जब हमने बुक कराई उस टाइम सेप्टेम्बर चल रहा था और गाड़ी आनी थी 4 से 5 महीने के गैप में, एटलीस्ट 4 महीने के, क्योंकि इतना टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए जब गाड़ी आने लगी तो उस टाइम 2021 का एंड था, तो हम नए मॉडल की कार लेना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने उस टाइम पे नहीं ली। और जब ये कार आई तब फरवरी 2022 चल रहा था और इससे बिल्कुल शुरू में आ गई थी फरवरी मंथ के। तो हमने सोचा कि इस मोमेंट को यादगार बनाया जाए और आर्या जब 3 महीने की होगी 16 फेब को तब ये कार ली जाए। और ऐसा ही हुआ, चीज़ें डिले होती गई और आखिरकार 16 फेब को पॉसिबल हो गया इस गाड़ी को लेना। सो मैं कह सकती हूँ कि मेरी डॉटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रही है, क्योंकि जो सपने हमने बहुत पहले से देखे थे और वो जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो वो पूरे हो सके सिर्फ आर्य की वजह से, जो इस वक्त काफ़ी अच्छे से जो है नींद ले रही हैं, सो रही हैं। वो कार में वो जैसे ही आती है थोड़ी देर बाद वो सो जाती है, उससे पहले वो पूरा सुपरविजन करती है, ड्यूटी में कोई कमी नहीं रखती है, वो पूरा ध्यान रखती हैं कि हम में से जो भी ड्राइव करे वो एकदम ठीक से ड्राइव करे। और मुझे तो ये ड्राइव करने ही नहीं देती है ज़्यादातर, तो जब ये सोती हैं तभी मैं ड्राइव करती हूँ, नहीं तो इन्हें लगता है कि भाई मम्मा तो होनी ही चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा साथ में रहती हूँ, ऐसे ही रहती है मेरे साथ में। और इसीलिए मैं साथ का विजन जो है वो इंजॉय करती हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं, कोई ध्यान नहीं रखना सड़क के ऊपर, और मस्त आप जाइए सड़कों पे। सो दिस वाज माय व्लॉग। आपने इंदौर सिटी देखी, इंदौर सिटी के बहुत सारे एरियाज देखे। मैं मानती हूँ कि रात को बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन रात की बात ही अलग होती है। और क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, काफ़ी सीख भी गए हैं, इंदौर सिटी को समझ रहे हैं, उसके ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो, तो इसीलिए जब हमें लगेगा कि अब हमें सुबह भी जाना चाहिए और सुबह टाइम भी मिलने लगेगा, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं आपको सुबह भी दिखाऊंगी कि सुबह के टाइम पे इंदौर सिटी कैसी दिखती है और क्या क्या एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को, लेकिन उसको जो दिखाना है वो किसी ने भी अभी तक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहिए कि इंदौर सिटी कितनी ब्यूटीफुल है।